बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो इस खूबसूरत वेदर का एंजॉय लेते हुए हमने डिसाइड किया है आज लोनावला जाने का, क्योंकि मॉनसून सीजन में लोनावला की बात ही कुछ और होती है। और अभी आप जो व्यू देख रहे हो ये हमारे घर से व्यू है, बारिश आ रही है रिमझिम रिमझिम। हम ले जा रहे हैं चाय, गर्म गर्म चाय पियेंगे हम। सो हम निकल रहे हैं, चाय हमारी रेडी है, नीचे गाड़ी भी आ गई है और जिया जी ये लग गए हैं हमारे गेट। आप बैठे डाले कुछ नहीं करते, काम करें, हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब। आप बोलो फटाफट बोलो। हेलो हाय दोस्तों, हेलो दोस्तों, आई एम माइंड लोनावला, आज हम घूमने जा रहे हैं। और बोले कुछ नहीं करते तो हमें लाइक करो, ऑन द वे करते तो हमें लाइक करो, फॉलो करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, चलाएंगे। थैंक यू। मुंबई से हम 20 किलोमीटर दूर आ गए थे तो हम सबको लगी आई थी बहुत ज्यादा भूख, तो हमने सोचा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो हमें दिखी एक बहुत बढ़िया होटल जहां हमने मिलकर किया बढ़िया ब्रेकफास्ट मिसल पाव का। फर्स्ट पॉइंट खंडाला घाटी। चाय हम जो घर से बना के लाए थे वो यहाँ पर वैली व्यू का एंजॉय करते हुए हम चाय पी रहे हैं गरम गरम, और हमारी चाय अभी गरम ही है, मजा भी बहुत आ रहा है, बहुत टेस्टी। मैं पी लूंगा दो मैं उसको। लोनावला एक खूबसूरत हिल स्टेशन है और यहाँ हर सीजन में विजिटर विजिट करना पसंद करते हैं, क्योंकि लोनावला फेमस है यहाँ के सूदिंग क्लाइमेट के लिए, यहाँ की लश ग्रीन वैली, स्टंडिंग वाटरफॉल और ब्यूटीफुल लेक्स, ये सब टूरिस्ट को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। ये खूबसूरत हिल स्टेशन महाराष्ट्र में पुणे और मुंबई के बीचों बीच लोकेटेड है। आप इंडिया के किसी भी सिटी से बाय फ्लाइट, बाय ट्रेन पुणे या मुंबई पहुँच सकते हैं। इन दोनों सिटी से आप इजिली बाय रोड या ट्रेन ट्रेवल कर सकते हैं। और ये है लोनावला लेक, जहाँ इतनी ज्यादा भीड़ है कि हमें हमारी गाड़ी खड़ी करने का भी स्पेस नहीं मिल पा रहा। आज वीकेंड की वजह से काफी ज्यादा रश है, तो हमने यहाँ रुकना ठीक नहीं समझा और हम आगे निकल पड़े हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पुणे से लोनावला 65 किलोमीटर, वहीं बॉम्बे से 100 किलोमीटर दूर है।
यहाँ पहुंचकर आप लोनावला घूमने के लिए ऑटो या टैक्सी हायर कर सकते हैं। बात करें यहाँ स्टे की तो आपको लो बजट से हाई बजट के होटल एंड रिसोर्ट्स मिल जाएंगे। तो हम पहुंच चुके हैं टाइगर पॉइंट। हम टाइगर पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। ये बादलों से पूरा घिरा हुआ है, बहुत ज्यादा खूबसूरत वेदर है यहाँ पर। अभी यहाँ से कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा है, बादल एकदम नीचे आए हुए हैं, बट अगर आप थोड़ा बारिश के बाद आओगे तो पूरा क्लियर दिखेगा। पूरा यहाँ से माउंटेन रेंज दिखता है, फुल ग्रीनरी और कुछ छोटे छोटे से आपको वाटरफॉल भी दिख जाएंगे। जैसा भी है मैंने कुछ दिनों से लोनावला परिसर में बड़ी बारिश हुई, इसकी वजह से न्यूज वाले आए हुए हैं, क्योंकि अभी न्यू स्टार्टिंग बारिश हुई है तो न्यूज वाले आते हैं कि ये पॉइंट कैसा है, टूरिस्टों से उसकी इंक्वायरी ले रहे हैं। तो थोड़ा हमने भी इनको इन्फॉर्मेशन दी कि हम फर्स्ट टाइम यहाँ विजिट करने के लिए आए और अब हमें काफी अच्छा लगा है। कहाँ से आए हो और किस प्रकार से यहाँ पे आनंद ले रहे हैं? सर हम बेसिकली रहने वाले राजस्थान के हैं और अभी हम नवी मुंबई उल्वे में रहते हैं, तो फर्स्ट टाइम यहाँ विजिट करा है, बहुत अच्छी जगह लगी है। अभी तो फर्स्ट पॉइंट देखा है लॉइन पॉइंट, इसके बाद हम अभी टाइगर पॉइंट देखेंगे, उसी टाइम जाएंगे और हमें बहुत अच्छा लगा है आपका आकर। तो हमारी चाय की केटली फिर से ओपन हो गई है, क्योंकि इतना सुंदर प्रकृति का नजारा देखने के बाद हम अपने आप को रोक नहीं पाए चाय पीने के लिए। तो यहाँ हम इन वादियों में इतना सुंदर व्यू देखते हुए पी रहे हैं गर्मा गर्म चाय। यहाँ रास्ते में बहुत ज्यादा फॉग है, विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। अगर आप टू व्हीलर से आ रहे हैं तो अच्छे से आना, एकदम अलर्ट रहकर, मतलब गाड़ी मत भगाना ज्यादा, बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं है। अभी हम पहुंच चुके हैं नेक्स्ट पॉइंट पर जो कि है बुशी डैम। यहां पर काफी ज्यादा क्राउड है और ये जो आप एंट्रेंस देख रहे हो ये एंट्रेंस है बुशी डैम का। तो चलो चलते हैं अंदर। यहां पर कुछ शॉप्स भी अवेलेबल है, अगर आपको कुछ परचेज करना है तो आप यहां से सामान खरीद सकते हो। और अगर आप शूज पहनकर आए हो तो यहाँ पर स्लीपर मिलते हैं रेंट पर, तो आप यहाँ से रेंट पर अपने स्लीपर ले सकते हो। अगर बारिश का टाइम है तो मोबाइल का कवर नहीं है तो प्लीज मोबाइल का कवर भी यहाँ पर अवेलेबल है, आप वो भी यहाँ से ले सकते हो। खाने पीने के भी काफी सारे ऑप्शन है। तो बस ये छोटी सी कुछ दुकानों को क्रॉस करके हम आगे निकलते हैं और यहाँ से स्टार्ट होता है बुशी डैम जाने का। वो आपको ऊपर का पॉइंट दिख रहा है, वहाँ तक लोग जाते हैं लेकिन हम वहाँ तक नहीं जाएंगे क्योंकि काफी रिस्की है। जब बारिश ज्यादा होती है तो यहाँ पर पानी भर जाता है, अभी इतना नहीं है, हमारे बस नी तक ये पानी आ रहा था। तो इस पानी को क्रॉस करके आगे की तरफ हम निकलते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल डैम पर। तो यहाँ पर कुछ स्टेयर्स बनाई हुई है जहाँ पर बैठ कर मस्त इंजॉय करते हैं और पानी का फ्लो काफी ज्यादा हो गया है। स्टेयर पर ये पानी आता है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ बैठकर। थोड़ी देर हम इन स्टेयर पर बैठे और अच्छे से इंजॉय किया। वैसे लोग जाने को तो इसका एक पार्ट और है ऊपर की तरफ, वहाँ तक लोग जाते हैं जहाँ से ये छोटे छोटे से वाटरफॉल में से पानी आता है इस डैम। मुझे थोड़ा रिस्की लगा तो हम ऊपर बिल्कुल नहीं गए, बस हम यहीं से वापस लौट गए क्योंकि इंजॉय करने आए हैं तो बस यहीं से ही काफी है। जो पानी वहाँ है वो पानी यहाँ पर भी है, तो हमने रिस्क नहीं लिया क्योंकि साथ में बच्चे भी हैं। सो गाइस मैं आपको भी एडवाइस दूंगी, अगर आ रहे हो तो अच्छे से एंजॉय करो लेकिन अपना ध्यान रखो।
लोनावला घूमने के बाद आप यहाँ की फेमस ये चिक्की जरूर लेके जाना, क्योंकि आप लोनावला में इनकी शॉप देखोगे ही देखोगे काफी सारी। लेकिन जो यहाँ पर फेमस चिक्की बताते हैं वो मगन लाल की बताते हैं, तो हमने भी इन्हीं की शॉप से कुछ चिक्कियां ली हैं, जिसे हमारे यहाँ गुड़ की पपड़ी बोला जाता है। आप लोग के यहाँ क्या क्या बोलते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके यहाँ किस नाम से इसको बोलते हैं, जो काफी टेस्टी लगती है। और हमें रात काफी हो गया था जाने में, और जाते टाइम भी काफी ज्यादा ट्रैफिक था, हम जाम में काफी देर तक फंसे रहे थे भी। हमने फुल म्यूजिक में गाना चलाया और मस्ती करी, तो गाने के साथ मैं आपको ये वीडियो नहीं दिखा सकती क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। तो ये थी मेरी वीडियो लोनावला ट्रिप की। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।